इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर सदर मनबकत आरिफ अलवी की तरफ से दो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजलास तलब कर लिया। निजी टीवी ने जराए के हवाले से दावा किया है कि सदर की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें सदर के ऐलान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सदर ममलकत की जानिब से लीटर मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला करेगा। ख्याल रहे कि सदर ममलकत आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को आम इंतखाबात का ऐलान किया है। उन्होंने यह हुक्म इलेक्शन एक्ट 2017 की आर्टिकल 57(1) के तहत जारी किया है।